बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन पढ़ सकना हूँ। इसको कहते हैं व्लॉगर लाइफ। कब कहाँ क्या कौन सा आइडिया स्ट्राइक कर जाए कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी एकदम एक आइडिया स्ट्राइक किया है, उसको मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि दो दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम बहुत अजीब वाला है, मई में बहुत ही अजीब मौसम है, बहुत बारिश हो रही है दो दिन से, उसके पहले और कुछ एरिया में हुई थी। तो मैं मौसम पे निगाह रखे हुए हूँ दो तीन दिन से, कब बारिश होगी कितनी नहीं होगी, क्योंकि कुछ मेरी सीड्स पड़ी हुई हैं, कुछ सीड्स बड़ी हो रही हैं, कुछ और भी पेड़ हैं जो अभी तक मैंने वीडियोज़ में आपको रिवील नहीं किए हैं। तो इस वजह से मुझे निगाह रखनी पड़ती है। ये मैंने अपने प्रोफेसर के दोस्तों को, उनको भी मैंने ये चीज़ दी है, क्योंकि मेन जो तरीका होता है लोग गूगल से उस चीज़ को देखते हैं। हो सकता है ये चीज़ आप लोग में से कुछ लोग जानते हों और देखते भी हों, यूज़ करते हों, कोई बात नहीं, कोई नई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब तक कोई इंसान कोई चीज़ जानता है नहीं जानता है तब तक बहुत बड़ी बात रहती है, जब जान जाता है तो कहता नहीं अरे ये तो आम सी चीज़ है। तो ये उस जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है ये। तो ये मेरा टूल है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने गार्डनिंग पर्पज़ के लिए, वेदर फोरकास्ट के उसमें। तो देखिए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। यह IMD सेटेलाइट इमेज आपको सर्च करना है गूगल पे, IMD सेटेलाइट इमेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेटेलाइट। उस पर IMD करेंगे तो उसकी मेन साइट पे आप चले जाएंगे। तो IMD सिर्फ मत कीजिएगा, उसमें बहुत से ऑप्शन हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ उसमें एक चीज़ आपको करना है, IMD सेटेलाइट, IMD सेटेलाइट कीजिए, उसके बाद IMD सेटेलाइट को ऐसे क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो आप ये पेज आ जाएगा, उसमें बहुत से ऑप्शन हैं, मेन पेज होम पेज में मत जाइएगा। ये आप देखिए अरेबियन ओशन में इस वक्त जो है ये एक साइक्लोन है, और जो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये ऐसे से मूव करते हुए ये इंडिया में आएगा, ये भी कर्नाटका वगैरह सब उसकी जद में है। तो इंडिया भी जो है, इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब चाहिए तो आप इसको ऐसे जूम कर लीजिए, जूम करके ऐसे देखिए, लखनऊ में भी हल्के से बादल हैं, ये ठीक है। इसका और गूगल वेदर का जो है फोरकास्ट का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया करिए। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, दिल्ली कुछ नहीं है, ये हैवी क्लाउड है। जब आप इस तरह का क्लाउड देखिए, ये डेंस क्लाउड, ये बहुत हैवी क्लाउड है। ये कि 3-4 दिन अगर यहाँ ठहर जाए तो फ्लड आ जाएगी, 3-4-5 दिन अगर ये क्लाउड यहाँ इस जगह पर ठहर जाएगा तो पक्का बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। और इस तरफ के बादल के बारे में परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि ये अपर करंट चलता रहता है। अपर करंट का मतलब ये है कि उसकी वेव वो चाइना और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान उस एरिया में ये घूमता रहता है। थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया में नहीं आता है, पहाड़ी एरिया में ये रहता है, कश्मीर वगैरह में रहता है, इधर काराकोरम पास की तरफ रहता है, इधर पाकिस्तान के ऊपर वाले एरिए में। लेकिन ये वेदर जब आप देखिए तो ये चीज़ होती है, ये जो है यहाँ से ये ऐसे घूम करके ऐसे आता है। मई मिड आ चुका है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ मानसून है, लेकिन मानसून ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। केरल में लगभग एक तरह से आ चुका है। न्यूज़ देखिए आप, न्यूज़ से कंफर्म कीजिए कि केरल में मानसून आया है कि नहीं आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ चलेगा भाई। फिर से आ जाओ। तो इस चीज़ को आप यूज़ किया करिए। और अगर आप साउथ में रह रहे हैं तो इस एरिया का देखिए, अगर गुजरात वगैरह में रह रहे हैं तो इधर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मैं एक फ़्लो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मानसून ऐसे आता है, ये चीज़ घूमते घूमते ये ऐसे हो करके और ऐसे आता है। किसी बच्चे की एटलस देखिए, 8th, 9th, 10th की, उसमें या UPSC की जो तैयारी करते हैं, डिटेल में जाना है तो उस एटलस में आप देखिए तो मानसून ऐसे घूमता है, यहाँ से ऐसे घूमता हुआ तब नॉर्दर्न इंडिया में आता है, बंगाल वाला ये इधर से आता है, इस तरफ से आता है, ये ऐसे करके ऐसे आता है। ये छोटा सा वीडियो था
वेदर फोरकास्ट के बारे में। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, मैं बैलेंस कर नहीं पा रहा हूँ उसको, और मोबाइल से दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक चीज़ और बताता चलूँ मैं आपको, आपको शायद इसमें ना दिखा पड़े लेकिन मैं टाइम बता दे रहा हूँ आपको, ये 1:26 IST 1:26 की ये इमेज है, करंट है 1:26 की ताज़ा इमेज है ये, और आधे आधे घंटे पे ये चीज़ जो है वो अपडेट होती रहती है, हर आधे घंटे पे जो है सैटेलाइट इमेज जो है वो अपडेट रहती है, होती रहती है। तो ये अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक ठोकी इसी बात पे, एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। कुछ और हायर टेक्निकल वीडियो, अब अभी तक तो थोड़ा सा होम गार्डनर का था के वीडियोस आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा हायर वीडियोस जो हैं वो बनेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।